सभी दर्शकों को नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर अलवर के मालाखेड़ा से, बिजली विभाग के जयन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। जय आतुर गौड़ ने डीपी देने के एवज में सेवा शुल्क मांगा था, परिवादी से रिश्वत लेते ही उसे खुद के कार्यालय में गिरफ्तार कर लिया। परिवादी का नाम गोपनीय रखा गया है। परिवादी ने एसीबी को बताया कि मार्च माह से उसके खेत की डीपी खराब थी। डीपी बदलवाने के लिए वह बिजली विभाग के चक्कर काट रहा था। 3 माह में भी काम नहीं हुआ तो किसी के जरिए जयन तक पहुंचा। जयन ने केवल डीपी बदलकर देने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी के एसपी विजयपाल ने बताया कि परिवादी ने बुधवार को ही जयन के रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, जिसकी पुष्टि करने के तुरंत बाद एसीबी ने कार्रवाई की। मौके से जयन की जेब से रिश्वत राशि जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जयन को जल्दी ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से अन्य आरोपियों की तरह उसे भी जेल भेजा जाएगा। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। देखिए, ये जो कार्रवाई की गई है मालाखेड़ा में, ये बिजली विभाग से संबंधित कार्रवाई है। मालाखेड़ा में कार्यरत जयन आतुर गौड़ जिनका नाम है, उनको 10,000 रुपए लेते हुए परिवादी से लेते हुए ट्रैप किया है। जो आरोपी जयन है, उसने परिवादी से ये जो राशि रिश्वत की मांग की थी, कल हमने इसका सत्यापन करवाया था। सत्यापन में उसने 12,000 रुपये मांगे थे, लेकिन जो लेन देन की राशि जो 10,000 रुपये में तय हुई, ये जो राशि आरोपी जयन ले रहा था, ये राशि परिवादी का ट्रांसफार्मर इश्यू करने एवं उसके जून माह का जो बिल गलत जारी हो गया था, उसकी राशि कम करने की एवज में ये रिश्वत राशि की मांग की जा रही, जिसका हमने कल सत्यापन करवाया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज हमारी टीम ने महेंद्र कुमार के नेतृत्व में, डिप्टी एस पी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये ड्रेप कार्रवाई आई। ट्रांसफार्मर कैसे दे रहा था कनेक्शन सही है,